हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडी। इन बिजनेस स्टडी वी विल लर्न चैप्टर नंबर फर्स्ट। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? हमें इस चैप्टर में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इनमें डिफरेंस पढ़ना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ऑल वी विल लर्न अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस प्रबंध। ओके, प्रबंध किसे कहते हैं? सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? इट इज एन आर्ट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अदर इन इफेक्टिव मैनर सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी कम कैन बी अचीव। मीन्स इट इज एन आर्ट। जो मैनेजमेंट है ये कला है, ठीक है, यह एक कला है। टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अदर, जो दूसरों से कार्य लेने की कला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में ये ऐसी कला है जिसमें अदर्स से, अदर पर्सन से कार्य करवाया जाता है इन इफेक्टिव मैनर, कुछ इफेक्टिव मैनर में। ओके, सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी कैन बी अचीव। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यानी कि उद्देश्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के, वो अचीव किए जा सके। एक शब्दों में हम बोले तो मैनेजमेंट एक कला है जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराया जाता है इसके अंदर, और जो उद्देश्य होते हैं एंटिटी के या ऑर्गेनाइजेशन के वो प्राप्त किए जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी आर लर्निंग व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, मींस प्रशासन। प्रशासन किसे कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट कंसर्न इटसेल्फ विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रशासन होता है बिजनेस का, वह पार्ट होता है जो पूरी दृढ़ता के साथ में इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, ठीक है। प्रशासन के द्वारा ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव किया जाता है। प्लस रूल और रेगुलेशन का भी निर्माण जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होता है, ठीक है, प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन हु वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में काम करते हैं किस उद्देश्य के लिए, एक कॉमन गोल को, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों को, समूह को, ग्रुप को कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इन तीनों वर्ड्स को बता रहा हूं, आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैनेजमेंट, जैसे हम माने हमारा स्कूल जो है इसमें मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्रमुख होता है, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूं आपको मैनेजमेंट कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मींस जो मैनेजमेंट का काम करते हैं हमारे स्कूल में, जो मैनेजमेंट या मैनेज करते हैं सारे वर्क को, ठीक है। अब मैनेज करने वाले कौन हो सकते हैं? प्रिंसिपल हो सकते हैं, हेडमास्टर हो सकते हैं। इनका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन करने का, सॉरी मैनेजमेंट करने का, ठीक है। ये क्या करते हैं? मैनेज करते हैं सारे काम को, सारे स्टडीज को। एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। इसमें आप माने जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो रूल और रेगुलेशन बनाने का कार्य जो करते हैं, है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ गया, जिसमें जो रिटर्न वर्क जिसके द्वारा किया जाता है, या बोले तो हम जिसके द्वारा रूल बनाए जाते हैं, है ना, रूल एंड रेगुलेशन, टाइम टेबल बनाया जाता है जिसके द्वारा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में सारे टीचर्स, सारा स्टाफ आ गया, जिन सभी से मिलकर इस संस्था की, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया जाता है, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम ये कंप्लीटेड।